गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू दिस क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स, हम हमारा चैप्टर रोमन न्यूमेरल्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये है आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इसमें आपको देखो क्या लिखा है, या अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो इसमें हमें यहाँ पे जो ये नंबर्स गिवन है रोमन न्यूमेरल्स में है, इन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बच्चों, आप सभी को पता है, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, मींस जो इंक्रीज होता रहे, वो ऑर्डर होता है हमारा असेंडिंग ऑर्डर, राइट। तो देखिए यहाँ पर जो भी आपको नंबर्स नज़र आ रहे हैं, इन नंबर्स को हमने रोमन न्यूमेरल्स में लिखा हुआ है, बट हमें क्या करना है, इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम इन्हें हिंदू अरेबिक नंबर्स में लिख लेंगे, ताकि हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने में आसानी हो। ओके, तो देखिए फर्स्ट है आपका, यहाँ लिखा है फोर्थ, मींस ये आपका लिखा है आई एंड वी, जो कि होता है आपका 4, राइट। ये है आपका 8, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ 8, ये आपका हो गया 8, ये हो गया आपका नेक्स्ट 5, ये हो गया 6, एंड ये हो गया आपका 7, राइट। तो यहाँ पर 4, 8, 5, 6, 7 हमने यहाँ लिखा है, ठीक है। तो अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे, देन ग्रेटर नंबर लिखेंगे, देन ग्रेटेस्ट नंबर लिखेंगे। तो सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर ऐसे आपको लास्ट में सबसे बड़ा नंबर लिखना है। तो सबसे स्मॉल नंबर मींस स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा बच्चों हमारा, हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा 4। तो 4 कैसे लिखें हम रोमन न्यूमेरल में, रोमन न्यूमेरल में हम 4 लिखेंगे इस तरह से, राइट। तो ये आपका हो गया 4। नेक्स्ट, अब 4 को हम कर देंगे क्रॉस। अब आपको देखना है इन चारों में कि कौन सा नंबर हमारा स्मॉल होगा। तो बताइए 8, 5, 6, 7 में से कौन सा स्मॉल होगा, आपका स्मॉलेस्ट नंबर होगा 5। तो हम यहाँ लिखेंगे अब नेक्स्ट 5, राइट। तो ये मैंने लिख दिया है 5, ये हो गया है 4। ओके, अब नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, 5 को आप कर देंगे क्रॉस, एंड 8, 6, 7 में देखेंगे स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो कौन सा स्मॉलेस्ट है, 6 हमारा स्मॉलेस्ट होगा, तो 6 को करो क्रॉस, एंड हम यहाँ लिखेंगे अब 6, राइट। नेक्स्ट, अब 8 और 7 बचा, 8 और 7 में से कौन सा हमारा स्मॉल होगा, ऑब्वियसली 7 स्मॉल होगा, तो हम यहाँ पे 7 लिख देंगे। ये मैंने लिख दिया यहाँ इस ब्लॉक में 7। अब एंड लास्ट में हम लिखेंगे यहाँ पे 8। तो ये आपका हो गया है असेंडिंग ऑर्डर, राइट। तो सबसे पहले हमने 4 लिखा, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, राइट। तो आप कर सकते हैं इस तरह से। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी हमें यही करना है बच्चों, यहाँ लिखा है ये हमारा 11 है ना, ये 11 है, ये है आपका, देखिए यहाँ पे और क्लियरली हम इन्हें लिखते हैं, ये आपका हो गया 11, राइट। ये आपका हो गया है 15, ये कितना लिखा है नेक्स्ट, ये आपका लिखा है 16, राइट। ये आपका 16 हो गया, ये आपका हो गया है 14, राइट, और ये आपका हो गया 20। तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है 11, 15, 16, 14 एंड 20। तो आपको नंबर्स को पहचानने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे इन्हें हिंदू अरेबिक नंबर्स में भी अरेंज कर दिया है। तो देखिए कैसे करेंगे अब हम इसे, सबसे पहले हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा बच्चों, 11, 15, 16, 14 एंड 20 में से सबसे छोटा नंबर हमारा कौन सा होगा बच्चों, सबसे छोटा नंबर होगा हमारा 11। तो हम यहाँ लिखेंगे 11, राइट। देन फिर हम बाकी के नंबर्स को देखेंगे और 11 को क्रॉस कर देंगे। तो बताइए 15, 16, 14, 20 में कौन सा हमारा स्मॉल होगा, 14 स्मॉल होगा। तो हम यहाँ 14 लिखेंगे, 14 किस तरह से लिखते हैं हम, X एंड IV। तो ये आपका हो गया 14। अब लिखेंगे हम 15, तो ये हो गया आपका 15। फिर नेक्स्ट है आपका 16, तो हम लिखेंगे X, V और I, ये आपका हो गया 16। फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे 20, तो डबल X होगा आपका 20, राइट। तो ये हो गए आपके नंबर्स रोमन न्यूमेरल्स में, तो इन्हें हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है, राइट। तो आपको क्या करना है बच्चों इसमें, सिंपली आपको सिर्फ यहाँ पर जो भी नंबर्स आपके गिवन हैं रोमन न्यूमेरल में, तो आपको हिंदू अरेबिक नंबर्स में उन्हें लिख लेना है। अगर आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होती है नंबर्स को रोमन न्यूमेरल्स वालों को, तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और जिनको प्रॉब्लम होती है वो हिंदू अरेबिक नंबर्स में इन्हें चेंज कर लें, फिर आगे सॉल्व कर लें। ओके,
तो अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है हमें, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, मींस हमें अब क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ लिखना है। मतलब पहले सबसे बड़ा नंबर, लार्जेस्ट नंबर आप लिखेंगे, देन अब स्मॉल लिखेंगे, स्मॉलर 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 एंड स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे, राइट। तो ये भी हमारा तरीका जो होगा करने का इस क्वेश्चन को, सेम वैसा ही होगा। तो देखिए ये हमारा यहाँ पर गिवन है 2, 2 टाइम्स ऑफ i होता है आपका 2, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है ये 2, राइट। एंड ये आपका लिखा है 6, ओके, ये आपका लिखा है 3, ये आपका लिखा है 4, ये आपका लिखा है 7, राइट। अब आपको यहाँ पर पहले लार्जेस्ट नंबर लिखना है, तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा इन पांचों में, 7 हमारा लार्जेस्ट होगा, जिसे हम इस तरह से लिखेंगे, राइट। तो ये हो गया आपका 7, ओके, ये आपका हो गया है 7। अब आपको देखना है, अब आपको बताना है इनमें से बाकी के नंबर्स, ठीक है। तो बताइए इसमें से 7 को हमने कर दिया है क्रॉस, अब आप इन चारों में बताइए लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा। 6 हमारा लार्जेस्ट नंबर होगा, जिसे हम क्रॉस कर देते हैं। तो अब 6 हम यहाँ लिखेंगे, ओके। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर 6 तक लिख लिया है। अब हम देखेंगे यहाँ पर ये बाकी के 3 नंबर्स में लार्जेस्ट नंबर, तो 2, 3, 4 में हमारा लार्जेस्ट कौन सा होगा, 4 हमारा लार्जेस्ट होगा, तो हम इस पर क्रॉस लगा देंगे। तो ये हो गया आपका 4, ओके। अब हम देखेंगे 2 और 3 में कौन सा लार्जेस्ट है, तो लार्जर हमारा होगा 3, तो 3 हम यहाँ लिखेंगे एंड फिर लिखेंगे हम यहाँ पे 2, राइट। तो इस तरह से आपको यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये आपका हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर, देखिए आप इसमें सब डिक्रीज हो रहा है, पहले यहाँ पे 7 था, फिर 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2, राइट। तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ओके। अब है आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है सॉल्व एंड राइट द आंसर्स इन रोमन न्यूमेरल्स। तो इस क्वेश्चन में हम यहाँ पर इन रोमन न्यूमेरल्स को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आपको यहाँ गिवन है हिंदू अरेबिक नंबर्स, देखिए यहाँ पे तो आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये सब आता है, तो इजीली आप कर सकते हैं। तो देखिए 5 और 2 को अगर हमने ऐड किया तो कितना आएगा बच्चों, 7। तो 5 और 2 को ऐड करने पर 7 आया, बट हम 7 कैसे लिखेंगे रोमन न्यूमेरल्स में, तो 7 हम लिख सकते हैं इस तरह से, ओके। ऐसे ही 10 और 2 हमने किया तो कितना आएगा, 8 आएगा, राइट, 8 आएगा। तो 8 को कैसे लिखेंगे रोमन न्यूमेरल्स में, इस तरह से आप लिख सकते हैं, ओके। इसी तरह आपको सी वाले में भी करना है, डी वाले क्वेश्चन में करना है। डी वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे आप, 20 + 1 करेंगे तो 21, फिर 21 में से आप सबट्रैक्ट करेंगे 3 को, तो कितना आएगा बच्चों, फिर आपको मिलेगा यहाँ पर 18। तो अब 18 को आप रोमन न्यूमेरल्स में लिखिएगा, ओके। तो कैसे लिखेंगे आप 18 को रोमन न्यूमेरल्स में, ये आपका हो गया है 18, ये हो गया 18। तो इस तरह से आप रोमन न्यूमेरल्स में लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। एफ वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा है 4 × 3, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा 4 × 3 = 12, तो 12 को कैसे लिखते हैं हम, इस तरह से। तो ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर 12, राइट स्टूडेंट्स। तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं आपकी बुक के, तो आपको ये क्वेश्चन नोट करने हैं आपकी नोटबुक में। आज मैंने आपको यहाँ पर ये 3 क्वेश्चंस करके बताए हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, 5, 6 और 7। तो ये आपकी नोटबुक में नोट करेंगे, इन्हें करने की कोशिश करेंगे तीनों क्वेश्चंस को। अगर जिन भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है तो फिर वो मेरी जो PDF जो मैं भेजने वाली हूँ उसमें चेक कर सकते हैं अपने आंसर्स को, ओके बच्चों।